मैं खबरदार कर रहा हूं तमाम नेताओं से भी, तमाम जितने नेता है महाराष्ट्र के अंदर, सबसे पहले जितने भ्रष्टाचार है इनका भ्रष्टाचार ओपन किया जाएगा। तमाम जितने भी जो इलीगल जो काम करते हैं इसको बंद करने का काम किया जाएगा। मैं पूरे महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार लोगों को इनके जो है तो आज विरोध करता हूं। और पहले जो है तो औरंगाबाद के अंदर जो इलीगल शराब की दुकान चलती है, पूरे इलीगल शराब की दुकानों को जो है तो मैं सबसे पहले ये पद मिलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो पद मिली है मुझे, जो उदा मिला है, इसका पहला मैं जो गैर उपयोग जो शराब की दुकानें हैं औरंगाबाद शहर के अंदर जो चला रहे उसको सबसे पहले मैं बंद करने का काम करूँगा। वादा करता हूँ जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ हमारी टीम वहाँ पर पहुँचेगी और उसको जो है तो न्याय दिलाने का काम करेगी। जो जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है तो गरीबों को जो है तो लूटने का काम कर रही है, तो ये टीम हमारी सबको सबसे पहले उनको रोकने का काम करेंगी। पूरे महाराष्ट्र की औकात की जमीन का मुद्दा उठाऊंगा। जितने भी भ्रष्टाचारों ने ये जमीन दबाए है, सुन लो ये मीडिया के माध्यम से मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, उनको वार्निंग दे रहा हूँ। चाहे वो आमदार हो या खासदार हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो उसके पास के उसके हलक में से ये जमीन निकालने का ये जो है तो ये हमारी टीम काम करेंगी। आप औरंगाबाद में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे ओहदा मिला है मैं अपनी ईमानदारी के साथ में गरीबों की मदद करने की कोशिश करूंगा और बड़े से बड़ा इनको न्याय दिलाने का काम जो है तो मैं करूंगा इंशाल्लाह। जो हमारे पार्टी का आज आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की जानिब से हमारे औरंगाबाद शहर के जानी मानी हस्ती सोशल वर्कर सामाजिक खिदमतगार जनाब साहेब खान को नियुक्ति दी गई है। इस नियुक्ति का ऐलान, इनकी इस नामजदगी का ऐलान हमारे उसामा साहब करेंगे। और इस मौके पर मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जनाब एमडी तैयब जफर साहब से गुजारिश करूँगा इस वक्त में थोड़ी सी मार्गदर्शन। सबसे पहले तो पहले जनाब साहेब खान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसी के साथ जनाब उसामा नासिर साहब यहाँ मौजूद है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। शहर औरंगाबाद में इस्तकबाल करता हूँ। ह्यूमन राइट्स का जो अहदा आज जनाब साहेब खान साहब को दिया जा रहा है, हमको सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स काम क्या करता है और ह्यूमन राइट्स की ज़रूरतें क्यों पड़ती हैं। जब सरकारें अपने काम करने से आजिज आ जाती है, जब संगठनाएँ अपने काम से पीछे हटने लगती हैं, जब अलग अलग डिपार्टमेंट अपने काम से पीछे हटने लगते हैं, ऐसे हालात के अंदर वो लोग सामने आते हैं जो इंसानी हुकूक को सबसे पहले रखते हैं। और इसी के लिए मुल्क अजीज़ में आप बहुत सारे ह्यूमन राइट्स देखते होंगे। मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल से आता हूं, लेकिन मुझे आज बतौर मेहमान के बुलाया, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मुबारकबाद देने की गर्व से यहाँ आया हूँ। जहाँ भी हम लोग देखते हैं कई फसादात हो जाते हैं, कई मॉब लिंचिंग हो जाती है, कई किसी के ऊपर जो है तो डिपार्टमेंट की तरफ से अत्याचार हो जाता है, बहुत सारे मसाइल हैं जो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होते हैं लेकिन बड़े हो जाते हैं। ऐसे मसाइल को हल करने का अगर कोई काम करते हैं तो वो ह्यूमन राइट्स के लोग होते हैं हर वक्त। और ये मैं समझता हूँ सिर्फ मुल्क के लेवल पर नहीं होता, ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है। अगर इंटरनेशनली लेवल पे भी कहीं आपको ये देखने को मिले कि कहीं इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, तो आपको ये सबसे पहले देखने को मिलेगा कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लोग सफ़े अव्वल में खड़े रहते हैं और वो ये बताते हैं कि अब ये इंसानी हकूक की पामाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी हकूक की पामाली क्या होती है कि आपका धर्म ना देखा जाए, आपका वर्ग ना देखा जाए, आपका कलर ना देखा जाए, आपका मुल्क ना देखा जाए। अगर कुछ देखना है तो ये देखा जाए कि यहाँ बैठने वाला, यहाँ रहने वाला, यहाँ पर बसने वाला हर कोई इंसान है और उसको उसके हुकूक मिलने चाहिए। हुकूक क्या होते हैं? हुकूक यही होते हैं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क का कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर कोई आम आदमी कोई गुनाह करता है तो उसको भी वही सज़ा मिले जो एक ख़ास आदमी गुनाह करता है तो उसको भी मिले। ये ह्यूमन राइट्स का असल काम मैं समझता हूँ। वगरना हम लोग ये देखते हैं कि कोई ख़ास आदमी कोई काम कोई गुनाह कर लेवे तो वो कहीं ना कहीं बच के निकल जाता है, लेकिन आम आदमी उस मकड़ी के जाल में फंस जाता है। तो आम आदमी को उस मकड़ी के जाल से बचाने के लिए और ख़ास आदमी जो बच के निकल गया उसको वापस उस जाल में लाने का काम अगर कोई करता है तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल करती है। तमाम बातें आपके सामने आएंगी। मुझे मेहमान के तौर पर बुलाया, मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो अहदे से आली जनाब साहेब खान साहब को
नवाजा जा रहा है, मैं उनको नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीदों के साथ आपको ये ओहदा दिया जा रहा है आप इसके ऊपर खरे उतरेंगे इंशाल्लाह। मैं साहिब खान प्रधान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो साहब की दिलखुशी करें। जनाब शरीफ भाई का इस्तकबाल। साहब की भी गुलपोशी साहब खान पढ़ा भाई भाई, भाई, भाई। मैं इस मौके पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के कायद जनाब उस्तामा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो साहब खान पठान साहब की नियुक्ति का ऐलान करें और साहब खान का इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा नासर बिन सालेह कोयलक है। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और मैं अभी ये जो ह्यूमन राइट्स का जो अभी पद देने जा रहा हूँ, जो पोस्ट अभी इस वक्त में जो साहिब खान साहब को मिल रही है वो उनकी काबिलियत को देख के मिल रही है। तो उनके पद जो है तो वो प्रेसिडेंट सोशल बोल के महाराष्ट्र लेवल पर उनको पद दी गई है, जिसके अंदर बोलने का था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर न्यू दिल्ली पर ये लेटर गया है, उसके बाद में बना था मिनिस्ट्री होम अफेयर न्यू दिल्ली गया हुआ है, उसके बाद में कलेक्टर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वहाँ पर भी ये लेटर गया है कि इन्हों हमारे पास से जुड़ चुके बोल के। कोई भी मसले मसाइल रहने दीजिए, जो भी अगर आपके पास में अगर परेशानी आती है, चाहे लेडीज़ का रहो, चाहे बोलने का मतलब पुलिस का मसला रहो, चाहे कोई भी रहो, सेक्शन 156 के तहत वो आके है ना डायरेक्ट भी बोले तो हमारे पास में कंप्लेंट लिखा सकते हैं बोले तो, यानी कि खास साहब के पास में आके वो कंप्लेंट दे सकते हैं। अभी उनको बोला था महाराष्ट्र लेवल पर ये पद दी जा रही है तो मैं चाहूँगा कि बोले तो वो पद इनको दे दें। लेटर आइडेंटिफिकेशन दोनों भी दिया जा रहा है उनको। आज मुझे इस ओहदे पे जो नवाजा गया है, जो महाराष्ट्र लेवल के ऊपर जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जो बनाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसामा भाई, हमारे अजहर भाई और हमारे अफरोज भाई, इरफान भाई और हमारे जो ह्यूमन राइट्स के जो तैयब पटेल तैयब एमडी तैयब साहब जो यहाँ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आज मेरे प्रोग्राम के अंदर ही आए, और तमाम यहाँ के जो हमारे नारेगाँव से जो लोग आए उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो पद मिली है, मैं ह्यूमन राइट्स को इनसे जो वादा करता हूँ जो मैं काम करूँगा और अपने ईमानदारी के साथ करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जो औरंगाबाद के अंदर शहर के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर जो आज भ्रष्टाचार जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार है, जैसे शराब की दुकानें हैं, पहले जो है तो औरंगाबाद के अंदर जो इलीगल शराब की दुकान चलती है, पूरे इलीगल शराब की दुकानों को जो है तो मैं सबसे पहले यह पद मिलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो पद मिली है मुझे जो उदा मिला है इसका पहला मैं जो गैर उपयोग जो शराब की दुकानें हैं औरंगाबाद शहर के अंदर जो चला रहे उसको सबसे पहले मैं बंद करने का काम करूँगा। दूसरा काम मैं सब पूरे जनता पूरे महाराष्ट्र की आवाम से ये मैं जो उनको वादा करता हूँ जा भी अन्याय होगा वहाँ हमारी टीम वहाँ पर पहुँचेगी और उसको जो है तो न्याय दिलाने का काम करेगी। आज हमारे बड़े बड़े यहाँ दवाखाने हैं, सरकारी दवाखाने हैं, यहाँ पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार चलते हैं घाटी जैसे दवाखाने के अंदर, इसका भी हम मुद्दा उठाने वाले हैं, और यहाँ पे जो जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है तो गरीबों को जो है तो लूटने का काम कर रही है, तो ये टीम हमारी सबको सबसे पहले इनको रोकने का काम करेंगी और गरीबों को न्याय दिलाने का काम करेंगी। आप मैं खबरदार कर रहा हूँ तमाम नेताओं से भी, तमाम जितने नेता है महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले जितने भ्रष्टाचार है इनका भ्रष्टाचार उपन किया जाएगा, तमाम जितने भी जो
इलीगल जो काम करते हैं इसको बंद करने का काम किया जाएगा। मैं पूरे महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार लोगों को इनके जो है तो आज विरोध करता हूं, और इनका आज हमारी टीम यानी खांदे को खांदा लगाकर चलेंगी और इनको रोकने का काम करेंगी। आज औरंगाबाद के लोग समझ जाओ, जो आज भ्रष्टाचार यानी शराबों की दुकान चल रहे हैं या बटलों की दुकान चल रहे हैं या गांजा शराब जितनी भी जो इलीगल चल रहे हैं, ये टीम जो है तो जितनी भी हमारे जितने टीम है इनको खांदे से खांदा लगा चला करके इनका बंद करने का काम करेंगे। आप औरंगाबाद में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे ओहदा मिला है, मैं अपनी ईमानदारी के साथ में गरीबों की मदद करने की कोशिश करूंगा और बड़े से बड़ा इनको न्याय दिलाने का काम जो है तो मैं करूंगा इंशाल्लाह। जो हमारे पार्टी का इसका मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वादा करता हूं हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट से कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो मैसेज आपको अच्छा ही मिलता रहेगा। जब भी जो भी मसले मसाले आते रहेंगे, गरीबों के हो किसको भी हो, या अन्याय होता है पुलिस स्टेशन में जो है तो उसको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। जो प्लाटी के जो है तो आज भू माफिया जो औरंगाबाद शहर के अंदर जो घूम रहे लोगों का जो है तो जो फ्लैट जो है तो दबाने का काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ भी जो है तो गरीबों को मदद किया जाएगी और उसका उसका हक दिलाया जाएगा। तमाम जो है तो औरंगाबाद के लोगों को मैं जो है तो मेरा जो है तो इसके तो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा आपके जो मीडिया के स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आएगा, अब वैसे हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट करना जो भी आपके मसले रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आधी रात को आपके मसले के लिए खड़े रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप जब भी हमारे जो है तो हमारे बड़े से जितने भी टीम के इसके नंबर स्क्रीन के ऊपर नंबर आएंगे, हमारे उसामा भाई यहाँ के जो टीम के सदर है, जो शहर के सदर है, जो हमारे जो हमारा भी जो नंबर रहेगा, आप आधी रात को कॉन्टैक्ट करो, इंशाल्लाह हमारी टीम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगी। जाए भी जो भी मसले रहेंगे आपके, जो भी आपके ऊपर अन्याय करता है उसको न्याय दिलाने का काम हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्टी से जो किया जाएगा। सर आप देखते हैं कि बहुत से मसले जैसे आपने कहा कि हमारे पास आई, कुछ मसले पुलिस वाले हल करते हैं, तभी पट्टी अपना एरिया होता क्राइटेरिया होता है, और बहुत से मसले कानूनी लड़ाई नहीं आती। मेरा सवाल ये है कि आपके अगर आपको ऐसे मसले आ जाए गरीबों के कि जिसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो आपके पास वकीलों की टीम तैयार है उसकी? हमने दो वकील रखे हैं और हमारा एक सलाहकार रहेगा, दो हाई कोर्ट के वकील हमारे हमने जो है तो इसकी ये टीम हमारे टीम के अंदर जोड़ चुके हैं, दो वकील रहेंगे और उसको जो है पुलिस स्टेशन में अगर से कोई पुलिस वाला को पुलिस स्टेशन के अंदर गलत अगर न्याय करता है तो हम उसके जो तो खिलाफ करके जो तो उसकी आवाज़ उठा के उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आपने जो अभी मुद्दे गिनाए शराब और नशा मुक्त अभियान, ऑलरेडी ये खासदार इम्तियाज जलील का भी ये कंपेनिंग चल रहा है कि औरंगाबाद को ड्रग्स फ्री किया जाए, तो क्यों ना आप और खासदार इम्तियाज जलील मिलकर इस काम को अंजाम दें? लबैक बहुत अच्छा होगा। लबैक हमारे पास जो है तो कोई पार्टी का मसला है ना किसी का मसला है ना ये गोद रखने वाले का मसला है, हमारे पास है इंसानियत का। हम ये चाहते हैं कि सब मिलकर ये काम करें, जो बुराई ख़त्म करने का काम हो, जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह जो है तो भ्रष्टाचार और बुराई जो है जो चल रही है, तो हम तो चाहते हैं कि हर धर्म का, हर जाति का, हर मज़हब का लोग हमसे जुड़े, हम सब टीम के टीम साथ काम करेंगे और एक हिस्सा इसका चौथ हमारा देश का पैगाम दूसरे देश के अंदर जो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मैं समझता हूँ कि आप एक MIM का हो, राष्ट्रवादी का हो, कांग्रेस का हो, BJP का हो, या बुराई का रोकने का काम आता, हम उसके साथ में जाने के लिए तैयार हैं, हम उसके साथ में काम करेंगे इंशाअल्लाह। आज औरंगाबाद शहर में मराठवाड़े में हम देखते हैं खास करके वक्फ के जमीनात को लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, पेपरों में आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारी बातें होती है और पता नहीं फिर बातें क्या हो जाता है, सब आपको पता है। मेरा सवाल ये है, मैं सवाल पूछ लीजिए आप कि ये आपके माध्यम से वक्फ की जमीनात घपले चल रहे हैं उसके वास्ते लोग आपसे जुड़े क्या, आपसे आवाज उठाएंगे? सबसे पहले मैं पूरे महाराष्ट्र की औकाफ की जमीन का मुद्दा उठाऊंगा, जितने भी भ्रष्टाचारों ने ये जमीन दबाए, सुन लो ये मीडिया के माध्यम से मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, उनको वार्निंग दे रहा हूँ, चाहे वो आमदार हो या खासदार हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो उसके पास के उसके हलक में से ये जमीन निकालने का ये जो है तो ये हमारी टीम काम करेंगी। और जितने भी आज जितने भी जमीनों के अंदर औरंगाबाद शहर के अतराफ के हजारों एकड़ जमीन जो है जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारों ने दबा के रखे हुए, हमारा मसला एक नारेगांव का भी 86 एकड़ का है, उसका मसला भी जो है तो औकाफ जमीन के अंदर उसको जो तो लाया जाएगा। ऐसे कई मसले ऐसे हैं औरंगाबाद के अंदर, पूरी जितनी अतराफ की जमीन ले लो जो जो भ्रष्टाचारों ने जो तो अपने ताबे में कर
चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम में वादा करता हूँ जनता से कि ये जो है तो वो ज़मीन उनकी हालत में से निकालने का काम करेंगे, चाहे फिर वो मंत्री हो, चाहे आमदार हो, खासदार हो या बड़े से बड़े नेता हो, उसकी हालत में से निकालने का काम हम ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। और आप कोई सवाल पूछना चाहता है भाई?